इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। वाराणसी का सारनाथ इलाका बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था और यहीं पर बौद्ध संघ बनाया गया था। लेकिन आज सोचें तो आश्चर्य होता है कि लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध यहाँ पैदल कैसे पहुंचे होंगे। बुद्ध के समय पवित्र नगर बनारस के करीब का ये क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था और तब इसे इसी पटना कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्ति के पहले कई वर्षों तक तपस्या की थी। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे अपने साथी तपस्वियों के साथ अपने ज्ञान को और लोगों में बांटने के लिए सारनाथ आए थे। सारनाथ में आज जहां डियर पार्क है, वहीं बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने ये उपदेश ठीक किस जगह दिया था, इसे लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि बुद्ध ने पहला उपदेश उस जगह दिया था जहां बाद में सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहला उपदेश उन्होंने धर्मराज का स्तूप की जगह दिया था। दुर्भाग्य से अब इस स्तूप की आधारशिला ही बची रह गई है। 18वीं शताब्दी में ये स्तूप ढहा दिया गया था और इसकी ईंटों का इस्तेमाल भवन निर्माण के लिए कर लिया गया था। चौखंडी स्तूप का भी अपना महत्व है। यहाँ बुद्ध अपने पहले अनुयायियों से मिले थे। ये स्तूप 5वीं ईसा पूर्व में बना था। बाद में इसमें इस्लामी तर्ज के अष्टकोणीय मीनार जोड़ दिए गए। गया और लुम्बनी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सारनाथ स्तूप की और भी विशेषताएं हैं। यहीं से हमें हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी मिला है। आज भी यहाँ के संग्रहालय में अशोक स्तंभ के ऊपर बना शेर का बहुत बड़ा मुंह देखा जा सकता है। इस म्यूजियम में आप सारनाथ बुद्धा की धर्मचक्र परिवर्तन छवि वाली प्रतिमा भी देख सकते हैं। बुद्ध और उनके बाद सारी दुनिया से बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ आने के बाद सारनाथ और इसके आसपास के विहार सदियों तक अध्ययन और उपासना के केंद्र रहे। यहीं पर बौद्ध संघ या भाईचारे के विचार ने जन्म लिया था। यहाँ के खंडरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इतने सारे लोग इतनी कम जगह में जमा होते होंगे तो दृश्य कैसा होता होगा। यहाँ एक खुला अहाता भी है जहाँ संभवतः बौद्ध धर्म पर गर्मा गर्म बहसें हुआ करती होंगी। आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के पास ही अलग अलग तरह के मंदिर हैं जो श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और जापान के लोगों ने अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से बनवाए हैं। इन देशों में बौद्ध धर्म को मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। आज भी हजारों लोग बुद्ध की मायावी दुनिया के दर्शन के लिए सारनाथ आते हैं।